साहब ये लीजिए, ये हिम्मत है। ये तस्वीर तो जानी पहचानी सी लगती है। याद आया, हिम्मत की यही तस्वीर हिम्मत के बड़े भाई साहब पुलिस स्टेशन में लेकर आए। उन्होंने भी हिम्मत के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई है। वो लोग तो ज्यादा परेशान। हिम्मत उनका सगा भाई है। कमाल तो यह है कि वो इन्हें भी बता के नहीं गए। मिस्टर रस्तोगी, क्या आप ये बता सकते हैं कि हिम्मत के गायब होने की वजह क्या है? वजह? मैं आपको क्या वजह बताऊं? कोई तो वजह होगी। कोई यूं ही अपने लोग, अपना शहर, अपना घर बार छोड़कर तो नहीं चला जाता। इंस्पेक्टर साहब, शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि वो अपने लोगों का सामना नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मिस्टर रस्तोगी, मैंने हिम्मत के बारे में उसके बड़े भाई साहब से भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने भी कोई सही जवाब नहीं दिया। आपकी क्या राय है, कहीं ये हिम्मत मेंटल, मेरा मतलब पागल तो नहीं? क्या आप तो कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मत कोई पागल और थिरथिरा नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। दिस इज नॉट ए केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ही इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन वो फिर गायब क्यों हो गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि हिम्मत जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसकी शादी कहीं और तय हो गई। शायद इसीलिए वो डिस्टर्ब होकर ये शहर छोड़कर कहीं चला गया। अच्छा तो ये बात है। इंस्पेक्टर साहब, आप जितनी भी जल्दी हो सके हिम्मत को ढूंढ निकालिए। आसपास के शहर में उसके कोई नाते रिश्तेदार, हो सकता है वो अपने किसी रिश्तेदार के पास चला गया हो। देखिए, इस बारे में सही जानकारी उसके भाई दिवाकर ही दे सकते। जहां तक मेरी जानकारी है, हिम्मत के भैया भाभी के अलावा इस शहर में उसका और कोई भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप जितनी भी जल्दी हो सके ये फोटोग्राफ आसपास के इलाके में भेज दीजिए। डोंट वरी मिस्टर रस्तोगी, मैं आज ही इसके प्रिंट आसपास के सभी इलाकों के पुलिस हेडक्वार्टर में भिजवा देता हूँ। ओके डॉक्टर साहब, आप जितनी भी जल्दी हो सके हिम्मत को ढूंढ निकालिए। मिस्टर रस्तोगी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, आप इस हिम्मत के लिए इतना परेशान क्यों हैं? आपके इससे क्या संबंध है? संबंध? एक इंसानियत का संबंध डॉक्टर साहब। बुरा मत मानिएगा, हम पुलिस वालों का काम ही इस तरह के सवाल करके मामले की तह तक जाना है। आप शौक से अपने सवाल, लेकिन मैं एक बात का आपको यकीन दिला सकता हूं कि इस केस में कोई मिस्ट्री नहीं। अचानक किसी का आपके बीच में गायब हो जाना, उसके लिए चिंता हो ही जाती है। अच्छा तो आपकी ये फिक्र सिर्फ इंसानियत की फिक्र है? जी हाँ, वैसे वो मेरी कंपनी में एक मजदूर भी था। अरे तो फिर ऐसा कहिए ना कि एक मालिक अपने मजदूर की तलाश करवाना चाहता है। आप जो कुछ भी समझे, लेकिन ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार। नमस्कार। पुष्पा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हिम्मत ने ऐसा क्यों किया। सीधी सी बात है सर, हिम्मत जी ने कुंती के लिए त्याग किया है। जब उन्हें यह पता चला कि सभी लोग कुंती की शादी आपसे करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस फैसले के आगे खुद को अलग कर लिया। लेकिन इस तरह शहर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? पुष्पा, मैं तो हिम्मत को बहुत समझदार आदमी समझता हूं, लेकिन सच्चाई का सामना करने के बजाय इस तरह वो लापता हूं।
अरे कम से कम मुझसे तो एक बार बात करनी चाहिए। हिम्मत जी के बात करने का क्या नतीजा निकलता सर? तो तुम्हें क्या लगता है जो कुछ उसने किया ठीक किया है? नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में शायद वो किसी का सामना नहीं करना चाहते थे। अगर मुझे इस बात की जरा भी भनक होती तो हिम्मत को समझाता। उसके भैया भाभी तो मुझे दोषी समझ रहे होंगे, उन्हें तो ये लगता होगा कि मेरी वजह से उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा। नहीं सर, कोई किसी को दोष नहीं दे सकता। अगर इसके लिए दोषी हैं, तो हम सब दोषी हैं, ये समाज दोषी है। जहां किसी छोटे आदमी की इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। देखो पुष्पा, मैं इस अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं मानता। इंसान अपने लिए भी जीता है और उसे अपने लिए जीना आना चाहिए। जब किसी के सपने ही उससे छीन लिए जाएं, फिर भला कोई कैसे जी सकता है? किसी को किसी के सपने छीनने का कोई अधिकार नहीं। मैं हिम्मत की मदद करने को तैयार था। मैं जानती हूँ सर, लेकिन कुंती के बाबूजी और आपकी माँ, कोई ये नहीं चाहता था कि कुंती की शादी हिम्मत से हो। और हिम्मत में भी इतना हौसला नहीं था। वो किस मुंह से कहता कि शादी के बाद वो कुंती को सुख दे सकेगा? लेकिन पुष्पा, हिम्मत ने अपने आप से वादा किया था कि वो कुंती से शादी करेगा, फिर इस तरह की बुजदिली क्यों? इंसान दुनिया से हार सकता है, लेकिन उसे अपने आप से नहीं हारना चाहिए। हिम्मत ने इस तरह से भागकर, सच पूछो तो हमें निराश किया है। अब मुझे कुंती से शादी करनी होगी। सर, अब आपके सामने जो भी फैसला है उसे आपको स्वीकार करना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। हमारा बेटा रोहित भी एकदम बेवकूफ है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। हमने उसे कहा शॉपिंग के लिए कुंती को मार्केट ले जाने की क्या जरूरत है, लेकिन उसकी समझ में ये सब बातें नहीं आती। अरे हम बड़े लोग कहां जाकर ट्रैफिक में फंसेंगे, इतनी भीड़ है बाहर की पूछो। हमने एक फोन घुमाया तो शोरूम्स वाले ये पूरा सामान लेकर घर पे आ गए। अब तुम जो चाहो पसंद कर। कुछ नहीं, फिर देखो ना ये सब पसंद करो ना। हम पसंद करते हैं तुम्हारे लिए। अच्छा, ये नेकलेस कैसा रहेगा? लगा के देखती हूँ। अच्छा है, हैवी भी है पर डिजाइन थोड़ा ओल्ड है ना? दूसरा ट्राई करती हूँ, ये वाला। ये ठीक रहेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारे गले पर। कुंती मालूम है इसकी कीमत कितनी होगी? ये हार 50 लाख का है। पर यकीन मानो, तुम्हारे आगे इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। और कंगन, ये वाले कंगन ठीक रहे। पहन के दिखाओ, पहनो ना। बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी पहनो। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी कलाई। ठीक है, ये दोनों कंगन और ये नेकलेस और इसके साथ के बुंदे, बुंदे तो इसके वाले ही सूट करेंगे, है ना?
बहुत प्यारी। ये बुंदे, ये नेकलेस और ये कड़ी, ये हम अलग से रख देते हैं, ठीक है? और साड़ियां, अब इन साड़ियों में से भी पसंद कर लो। देखो कुंती, शर्माने से काम नहीं चलता, अपनी पसंद तो बताओ। आप जो भी पहना सकती हैं पहना लीजिए, सब आप ही की पसंद है, मेरी नहीं। आप मुझे जैसे भी सजाना चाहती हैं सजा सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। हमें पहले ही मालूम था कुंती कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि हमारी पसंद है ही इतनी ऊंची और उसका सबसे पहला उदाहरण तुम हो, है ना कुंती? पर इस सबके बीच एक दाग है कुंती। वो क्या? तुम्हारी ये सफेद साड़ी, प्लीज तुम इसे बदलना। माफ कीजिएगा मिसेस रस्तोगी, आपने मुझे इस सफेद साड़ी में ही पसंद किया था और इस सफेद साड़ी ने ही मुझे इतने सालों से आश्रय सहारा दिया है और आप इसे दाग बता रही हैं? कुंती तुम हमारी बात नहीं समझ रही हो। एक सुहागन लड़की के लिए सफेद रंग अशुभ होता है। लेकिन मिसेस रस्तोगी, मैं अभी सुहागन नहीं बनी हूँ, अभी मुझे उसी आश्रम में वापस लौटकर जाना है जहां से मैं आई हूँ। ये मेरी वर्तमान जिंदगी की पहचान है। ठीक है, ये तुम्हारी पहचान है, लेकिन ये क्या? तुम बार बार हमें मिसेस रस्तोगी कह के पुकारे, ये तुम्हारी कौन सी पहचान है? हाँ, हमें माँ नहीं कह सकती? अभी मेरी शादी नहीं हुई है, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है। माँ कुंती ठीक कह रही है। ओह, तो तुम भी आ गए। कुंती रिश्ता नहीं जुड़ा तो क्या, जुड़ जाएगा। अगले हफ्ते हम तुम्हारी रोहित के साथ सगाई करने वाले हैं। सगाई? हाँ, तुम क्या सीधे शादी करना चाहती हो? जी नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती, आप जो चाहती हैं वही कीजिए। मैं उस दिन भी आपकी पसंद की साड़ी और जेवर पहनकर तैयार हो जाऊंगी, लेकिन अब मैं आश्रम जाना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे, इसमें इजाजत मांगने वाली कौन सी बात है, तुम हमारे घर की होने वाली लक्ष्मी हो। रोहित, जाओ कुंती को छोड़ो। चलो कुंती, मैं तुम्हें आश्रम से छोड़ूं। जी नहीं, मैं यहाँ अकेली आई थी, अकेले ही जाना चाहूंगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। माँ, आपको अभी कुछ समझ में आया कि नहीं? हम सब समझते हैं रोहित, शादी से पहले हर लड़की का स्वभाव ऐसा ही होता है, लेकिन शादी के बाद उसे हमारे हिसाब से अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। माँ, ये बात नहीं है, कुंती शादी से खुश नहीं है। अरे, उसे अभी खुशी का मतलब मालूम ही कहाँ है रोहित। खुशी का मतलब तो उसे उस दिन मालूम पड़ेगा जिस दिन वो हमारे घर की बहू बनकर आ जाएगी। और ये क्या, तुम अभी से अपनी होने वाली बीवी का साथ देने लगे? हाँ, हमें तुम्हारे लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं, तुम जोरों के गुलाम बनोगे। आप हर बात का गलत मतलब निकालते हो। हम हर बात का बिल्कुल सही मतलब निकालते हैं। अरे भाई कुंती, क्या हुआ, अकेली और उदास क्यों बैठी हो? अब तो तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। हाँ कुंती, अब तो तुम्हें नाचना गाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्या हो गया? हाँ, बनो मत हम लोगों से, अब हम सब लोगों को सब कुछ पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि तुम रस्तोगी साहब की पत्नी बनने जा रही हो। हाँ भाई, उनके घर जाकर तो तुम राज करोगी, रानी बनकर रहोगी वहाँ। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, पूरे पूरे ऐश्वर्य होंगे तुम्हारे पास। हाँ कुंती, किसी बात की कमी नहीं होगी तुम्हें। तुम एक गिलास पानी का मांगोगे तो तुम्हारी एक आवाज पर 10 नौकर दौड़ पड़ेंगे। हाय,
तुम्हारी तो किस्मत बदल गई। कुंती, अब तुम इस आश्रम के छोटे से और सिलन भरे कमरे से एक बड़े बंगले में जा रही हो, जहाँ के एक कमरे में एक आलीशान बेड होगा, एसी होगा और फर्श पे तो आलीशान कारपेट भी होगा। तुम्हें पता है, आश्रम की सफेद साड़ी से तो तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कीमती साड़ी होगी, सोने जवाहरात से लदी होगी तुम। लेकिन कुंती, तुम हम लोगों को भूल तो नहीं जाओगी ना? अरे भाई, शादी के बाद कुंती से मिलना इतना आसान नहीं होगा। कुंती से मिलने के लिए तो रस्तोगी साहब के सेक्रेटरी से टाइम लेना पड़ेगा। लेकिन कुंती, इन सब के बीच हमारे बारे में जरूर सोचना, क्योंकि अगर हम सब लोगों को इस आश्रम से निकाल दिया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कुंती, रस्तोगी साहब के दफ्तर में या घर में कोई छोटा मोटा काम भी होगा ना, तो भी चलेगा। चुप हो जाओ तुम लोग, तब से क्या बकवास किए जा रहे हो? चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से।